अपकमिंग मूवी लाइन अप तृप्ति दिमरी जी हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तृप्ति दिमरी कौन सी अपकमिंग मूवी करने वाली है, वो सभी डिटेल में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। तो तृप्ति दिमरी की अपकमिंग मूवी आने वाली है राजकुमार राव के साथ विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, और ये मूवी रिलीज होने वाली 11 अक्टूबर को। फिर इसके बाद रिलीज होगी भूल भुलैया थी, जो कि इस मूवी में लीड एक्टर होने वाले कार्तिक आर्यन, और इस मूवी को डायरेक्टर अनीस बाजमी, और ये मूवी रिलीज होने वाली है दिवाली वाले दिन, और इस मूवी का क्लैश होने वाला सिंघम अगेंस्ट, जिस मूवी में लीड रोल में सिंघम यानी कि अपने अजय देवगन होने वाले। फिर उसके बाद अनटाइटल म्यूजिकल फिल्म होने वाली है कार्तिक आर्यन के साथ, और इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे अनुराग बासु। फिर उसके बाद आ जाएगी धनुष के साथ तेरे इश्क में, इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले आनंद एल राय। फिर इसके बाद अनटाइटल कॉमेडी फिल्म होने वाली माधुरी दीक्षित के साथ, और ये मूवी को डायरेक्ट करने वाले सुरेश त्रिवानी। फिर उसके बाद धड़क 2 में भी तृप्ति दिमरी होने वाली है, इस मूवी में लीड रोल में सिद्धार्थ चतुर्वेदी होंगे। फिर इसके बाद अनटाइटल एक्शन फिल्म होने वाली है शाहिद कपूर के साथ, जो कि विशाल भारद्वाज डायरेक्ट करने वाले। फिर उसके बाद एनिमल पार्क में तो ये होंगे, जिसमें रणवीर कपूर लीड रोल में और संदीप रेड्डी वांगा इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे। तो आप लोग बता देना तृप्ति दिमरी की कौन सी अपकमिंग मूवी से आप लोग सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो। इस वीडियो को 1 लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।